What does the grass say? हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज फिर एक बार एक चॉपिनेस निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। सबसे पहले रिव्यू करेंगे कल के एनालिसिस का। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,397 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 15,241। तो जैसे कि आप देख पा रहे, ये 5 मिनट का चार्ट आज इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा था। निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद जैसे टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया, बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 15,222 ये यहाँ पर अचीव हुआ। कुछ देर इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था और उसके बाद ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट भी इसने अचीव कर लिया। इसी लेवल के आसपास से इसने बाउंस बैक दिखाया है और जैसे ऊपर की तरफ ये बाउंस बैक हुआ तो ऊपर एक इसने डबल टॉप जैसा पैटर्न बना लिया, डबल टॉप, और जैसे फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो फिर से ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव कर लिया और इसी रेंज के बीच में ये ट्रेड होते रहा और ऑलमोस्ट क्लोज भी सेकेंड टारगेट के पास हुआ। काफ़ी एक्यूरेट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल साबित हुए आज भी। तो आज कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते आज तो अराउंड 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो अभी कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। यह निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है। अभी यहाँ पर हमने देखा था फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल निकल के 76.4% का लेवल यहाँ पर अचीव हो चुका है। अभी अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो फर्स्ट सपोर्ट क्या होगा, ये 50 EMA का ये ब्लू लाइन जो है, आर्ली चार्ट देख रहे हैं 60 मिनट का चार्ट, तो इसमें ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकते हैं। आज भी देख सकते हैं आर्ली चार्ट में इधर सपोर्ट इसने टेस्ट किया। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर, ये एक छोटा स्विंग लो बनाया है इसने 3 दिन पहले। यहाँ से आप देख सकते हैं बाउंस बैक हुआ है निफ्टी इंडेक्स, तो इस लेवल के नीचे चला जाता है अगर कल, यानी 15,138 के नीचे चला जाता है निफ्टी इंडेक्स, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,117, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,098, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये बढ़ता है तो फर्स्ट हर्डल होगा ये 20 EMA का पिंक लाइन। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया निफ्टी ने पास्ट में, तो 15,256 के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,273, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,292, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए कल के इंट्राडे लेवल्स। चलते हैं बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। काफ़ी एक्यूरेट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर साबित हुए। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट नीचे सपोर्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास लिया, ब्रेक नहीं किया इस लेवल को, ऊपर दो बार इसने लगातार इस लेवल को पेनेट्रेट किया है। ये देखिए ब्रेकआउट लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया है, काफ़ी एक्यूरेट ऐसे लेवल साबित हुआ और यहाँ से फिर से एक बार टूवर्ड्स साउथ की तरफ ही आ गया। तो अभी कल के लिए क्या हो सकते हैं इंट्राडे लेवल्स, देख सकते हैं आप ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, तो इस रेंज को जैसे ही हमने कल प्लॉट किया था ब्रेकआउट लेवल, वो सेम कल के लिए ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट सेम रहेंगे, ब्रेकडाउन लेवल भी सेम होगा और फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट भी सेम होंगे कल के लिए। तो ये रेंज है एक, अभी ऊपरी लेवल पे फिर से एक बार साइडवेज पैटर्न दिखा रहा है, इस रेंज को ब्रेक होने दीजिए आइदर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग टॉप्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं आर्ली चार्ट में। अगर ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करता है कंफर्टेबली आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो और नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के कल के लिए इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।